Good morning everyone, welcome back to our online class again. In the last class we have completed our fourth lesson of history, that was regarding the tribal communities and basically Birsa Munda who led a revolt in the Jharkhand region. Now we are moving towards our fifth lesson of civics, that is judiciary. First of all, what is judiciary? It is a system of courts which provide justice whenever there any issue arises in front of us. तो जुडिशरी है क्या? न्यायपालिका. और न्यायपालिका क्या है? हमारे यहाँ जो अलग अलग कोर्ट की व्यवस्था है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबॉर्डिनेट कोर्ट, सहायक जो कोर्ट है, ये जो व्यवस्था है ये न्यायपालिका है. अब रोल ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी का रोल, भूमिका क्या है, क्या काम करती है जुडिशरी? तो इसमें बहुत सारे हैं. टू पनिश द लॉ ब्रेकर्स, जो कानून तोड़ते हैं, कोई क्राइम करते हैं उसको सजा देना. टू रिजोल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का कोई विवाद है उसको सुलझाना, कोई डाइवोर्स रिलेटेड विवाद है उसको सुलझाना. उसके बाद किसी दो स्टेट के बीच में कोई पानी का विवाद है उसको सुलझाना, कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई हमारे यहाँ कोई डिस्प्यूट अराइज है उसको सोल्व करना, रिजोल्व करना. तो जुडिशरी के हमारे पास बहुत सारे काम है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. और ये सारे काम कब होंगे? व्हेन इट इज इंडिपेंडेंट, जब ये स्वतंत्र होगी, यानी किसी और का इसके ऊपर दबाव नहीं होगा जुडिशरी पर, तब ये सारे काम पॉसिबल है. तो हमारी जुडिशरी ये सारे काम करती है. अब हमारे पास वन बाय वन पढ़े कि महत्वपूर्ण काम है क्या जुडिशरी के. तो पहला है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, कोई भी विवाद है उसको सुलझाना. और डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट सिटीजंस, अलग नागरिकों के बीच में भी हो सकते हैं विवाद, यानी मेरा मेरे किसी पड़ोसी के साथ जमीन का कोई विवाद हो सकता है. If I have resolved it, अगर मेरे को उसको resolve करना है, तो I need to approach to the court. हम court में जाएं, civil case डालें कि इस प्रकार property मेरे से belong करती है और मेरे पड़ोसी ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है, कोई encroachment, अतिक्रमण, कुछ और इसके ऊपर निर्माण कर लिया गया illegal, तो उसके लिए court चले जाएं. दो नागरिकों के बीच में विवाद हो गए. दूसरा, किसी नागरिक और सरकार के बीच में सरकार ने कोई ऐसा कानून पास कर दिया जिसकी वजह से किसी नागरिक को नुकसान होता हो, वो कोर्ट का रास्ता अपना ले कि सरकार इस प्रकार के कानून बनाने से हमें ये नुकसान हो रहा है. अगर किसी दो स्टेट के बीच में कोई विवाद हो जाए, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जैसे कुछ देर पहले हमने पढ़ा कावेरी जल विवाद, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में पानी का विवाद है, कावेरी का कितना जल कर्नाटक इस्तेमाल करेगा, कितना तमिलनाडु इस्तेमाल करेगा. उसके बाद इसी प्रकार पानी के विवाद की बात करें तो हरियाणा और पंजाब सतलज के पानी के लिए है. तो इस प्रकार दो स्टेट के बीच में, अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई विवाद हो जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून बनाए जिसको स्टेट गवर्नमेंट जिससे एग्री नहीं हो, सहमत नहीं हो, उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है. तो पहला काम तो काम डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन, वो डिस्प्यूट किसी के बीच में हो सकते हैं, दो नागरिकों के बीच में हो जाए, नागरिक और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हो जाए, दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो जाए, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में. तो इन सब का समाधान करने का काम किसका है? जुडिशरी का. अब नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्विचार, कि दोबारा किस चीज की पुनर्विचार या उसके ऊपर दोबारा सोचना. इसमें कई बार क्या होता है, याचिका नहीं डाली जाती, नो वन इज गोइंग टू फाइल ए केस, कोई केस नहीं डालता. ऑटोमेटिकली कोर्ट हैज द पावर टू फॉर ए जुडिशियल रिव्यू. ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है. अब देखो इसमें होता कैसे है. द लास्ट और द एपेक्स बॉडी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार न्यायपालिका के पास है. यानी संविधान में क्या लिखा है उसको सही प्रकार से इंटरप्रेट करना, कि उसके अनुसार काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसकी व्याख्या कौन करता है? संविधान की व्याख्या करता है हमारी जुडिशरी, न्यायपालिका. और उसी के लिए तो हम कोर्ट में जाते हैं कि संविधान के अनुसार क्या सही है क्या गलत है, सही कराने के लिए कोर्ट चले जाते हैं. और संविधान की सही व्याख्या कौन करता है? हमारी जुडिशरी, न्यायपालिका. इस जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है, इफ द गवर्नमेंट हैज पास्ड एनी लॉ, आइदर इट्स स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर मान लो का सरकार ने कोई कानून पास कर दिया एंड इट इज अगेंस्ट द बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मूलभूत फंडामेंटल जो पार्ट उससे अलग है, जो संविधान में लिखा उससे अलग है, देन द कोर्ट कैन स्ट्राइक इट आउट. तो कोर्ट उसको रद्द कर सकता है ऐसे कानून को. यानी अगर कोर्ट अपने आप रिव्यू करता है कि सरकार ने कोई नया कानून बनाया, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, उसमें ऐसा लगता है कि संविधान के मूलभूत संरचना में जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचाएगा, उसके अनुसार नहीं है कानून, देन इट कैन स्ट्राइक डाउन. तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार उस कानून को रद्द कर सकता है. तो ये था जुडिशियल रिव्यू, अपने आप किसी चीज की
वापिस उसके ऊपर पुनर्विचार करना। अब देखो नेक्स्ट है हमारा अब होल्डिंग द लॉज एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, कानूनों की रक्षा करना, उनको बनाए रखना और अनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स और मूलभूत अधिकार है उनको लागू कराना। अब मौलिक अधिकार मिले हुए हमें, अवर क्रिश्चियन गारंटी से फंडामेंटल राइट्स टू अस कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं हमें, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, तो कुछ मौलिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं उनको लागू कराने का काम किसका है? जुडिशरी का, न्यायपालिका का। इफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड, अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी में भी डायरेक्ट जा सकते हैं अगर फंडामेंटल राइट का एनक्रोचमेंट होता है और वायलेट होता है कोई फंडामेंटल राइट। अब हमने एक लेसन पढ़ा था रूल ऑफ लॉ जिसमें मेंशन था कि कानून का शासन, कानून का शासन क्या था? रूल आर एप्लीकेबल इक्वली ऑन ऑल, ये सब पर कानून बराबर लागू होते हैं, लेकिन वहां कोई व्यवस्था तो हो, अगर लागू नहीं होंगे तो क्या होगा? कानून सब पर बराबर लागू होते हैं, अगर कानून सब पर बराबर लागू नहीं हो तो क्या होगा? तो उसके लिए मैकेनिज्म क्या है? जुडिशरी है। यानी अगर बराबर लागू नहीं हो तो आप कहां चले जाए? कोर्ट चले जाए, कोर्ट लागू कराएगा। तो रूल ऑफ लॉ कब पॉसिबल है? जब जुडिशरी हो, जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, न्यायपालिका हो, यानी कोई कोई ऐसा मैकेनिज्म हो तो उसको सही करने का काम करता हो और इंडिपेंडेंट स्वतंत्र भी, उस पर किसी का दबाव ना हो। तो ये हमारे हैं अपहोल्डिंग द लॉज, कानूनों को बनाए रखने की जिम्मेवारी किसकी है? हमारी जुडिशरी की, न्यायपालिका की, और हमारे फंडामेंटल राइट को लागू करने की जिम्मेवारी भी किसकी है? जुडिशरी की। अब इसमें एक एग्जांपल था 7th क्लास की एनसीईआरटी बुक में, एक एग्जांपल आया था हाकिम सेठ का। ये वेस्ट बंगाल में एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे, वेस्ट बंगाल में एक वर्कर्स के ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे। ही फेल डाउन फ्रॉम द ट्रेन एंड इंजर्ड, वो ट्रेन से गिरे और इंजर्ड, घायल हो गए। व्हेन ही अप्रोच टू डिफरेंट हॉस्पिटल्स ही वाज डिनाइड देयर, उनको हर जगह मना कर दिया गया फॉर द क्योर, इलाज के लिए। दे अनेबल टू डू इट, ये सब ने बोला हमारे पास सुविधाएं नहीं है, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड यू द प्रॉपर ट्रीटमेंट, हम आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते, हमारे पास सुविधाएं नहीं है। ही मूव फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अनदर और डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया लेकिन उसको कहीं सुविधा नहीं मिली। अल्टीमेटली ही गॉट ट्रीटमेंट इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल बट इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, उसको इलाज का मिला एक प्राइवेट हॉस्पिटल मिला जो कि बहुत महंगा था। जब वो ठीक हुआ उसके बाद ही फाइल केस और पिटीशन इन द कोर्ट, उसने कोर्ट के अंदर एक याचिका डाली कि मेरा स्वास्थ्य का जो अधिकार है वो किसके अंतर्गत आता है? राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार मिला हुआ हमें आर्टिकल 21 के तहत, फंडामेंटल राइट का एक आर्टिकल है। अवर फंडामेंटल राइट्स आर फ्रॉम 12 to 35, 12 आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में हमारे कौन से मौलिक अधिकार है? आर्टिकल 21 में क्या लिखा? राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। और जिएगा कब व्यक्ति? जब उसको खाने पीने की सुविधाएं हो, साफ पीने की सुविधा हो, अच्छा वातावरण भी मिले। तो उसी में जब वो कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट से ना उसे कलकत्ता हाई कोर्ट से सरकार को, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को बोला गया कि इसकी स्वास्थ्य की जिम्मेवारी सरकार की जिम्मेवारी थी। ये राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है, एक व्यक्ति को सही प्रकार से सुविधाएं प्रदान की जाए स्वास्थ्य की। तो फिर गवर्नमेंट को आदेश देता है कोर्ट फॉर द कंपनसेशन, किसको मुआवजा दिया जाए, जो इसका खर्चा लगा है प्राइवेट हॉस्पिटल में कौन दे? गवर्नमेंट दे। तो गवर्नमेंट के ऊपर किसने? हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया गवर्नमेंट को, निर्देश दिए कि यू आर सपोज्ड टू पे द कंपनसेशन, कि आप कंपनसेशन देंगे इसको क्योंकि इसको नुकसान हुआ है। और ये राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है, इसका मौलिक अधिकार है स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना सरकार से, क्योंकि इसी के लिए पब्लिक टैक्स देती है। टैक्स का पैसा सरकार के पास जाता है तो सुविधाओं के लिए जाता है कि द फैसिलिटीज टू बी जनरेट फॉर द पब्लिक, लोगों के लिए सुविधाएं जनरेट हो, और आप कर नहीं पा रहे हो, किसी भी हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट नहीं हुआ, कंपनसेशन का आदेश देती है। उसके साथ साथ कोर्ट ये भी आदेश देता है सरकार को कि एक ब्लूप्रिंट तैयार करें कि आपने किस प्रकार सुविधाएं अलग अलग जगह पर प्रदान की हैं, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज किस प्रकार डेवलप किया आपने स्टेट के अंदर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट और डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्टेट, हमारे राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में, उसका ब्लूप्रिंट भी साबित करें, हमारे सामने पेश करें कि आपने क्या क्या सुविधाएं दी है और इसको कंपनसेशन दिया जाए। तो ये क्या था? एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, इसको लागू कराने का काम। तो आज के लिए हमारा इतना ही, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी से हम क्या समझते हैं और क्यों जरूरी है। तो आज जुडिशरी क्या है? न्यायपालिका, जो कि हमारे अलग अलग कोर्ट है, जैसे सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक ही है, उसके बाद हमारे पास हाई कोर्ट है 31, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट सबोर्डिनेट कोर्ट्स, अलग अलग हमारे पास सबोर्डिनेट कोर्ट्स हैं, यानी सहायक, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हमारे जैसे आप एडीजे बोलते हैं। तो ये हमारे पास थे अलग अलग कोर्ट,
ये है न्यायपालिका। फिर न्यायपालिका की भूमिका है, कोई भी विवाद है नागरिकों के बीच में, नागरिक और सरकार के बीच में, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में विवादों को सुलझाना, जो कानून बनाए गए हैं उनको लागू कराना। अगर कोई भी सरकार किसी प्रकार का ऐसा कानून पास करती है जो संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है, इट इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन इट कैन बी स्ट्राइक डाउन बाय द कोर्ट, कोर्ट उसको रद्द कर सकता है और जो हमारे फंडामेंटल राइट उनको लागू कराना। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड व्हाई इट इज नेसेसरी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।